सावली सलोनी तेरी झील सी आंखे इन आँखों में न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। हो सावली सलोनी तेरी झील सी आंखे इन में न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। हो सांवले सलोने तेरे मीठी मीठी बातें तूने प्यार में कर दिया जीना मुश्किल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ संबंध तथा फलन का लास्ट चैप्टर यानी प्रश्नावली 2 का डी। यदि आपने इसके पहले की प्रश्नावलियों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख रखा है, सिर्फ आपको सॉल्व कराना रह जाएगा। मैं फटाफट इसको सॉल्व भी करा दूंगा। और एक बात बताना जरूरी है दोस्तों, सपोर्ट जरूर करिएगा। मैंने एक न्यू चैनल खोल रखा है जिसमें मैं ब्लॉगिंग वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लिए का हक बनता है कि थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट जरूर करेंगे। देखता हूं आप आगे, आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहां पे बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है, यदि a + 3 / b - 5 = 3 / 0 तो a तथा b के मान होंगे। आपको इसमें a तथा b का मान बताना है। चार ऑप्शन दिया गया, क्योंकि यह बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न का चार ऑप्शन दिया गया, तो किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होगा हमें निकाल लेना हो, इससे a का मान निकाल लेंगे, इससे b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो दिया है यहाँ पे, चले हम लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो a प्लस थ्री, कामा के पहले की वैल्यू a प्लस थ्री है, बराबर के उस तरफ देखिए कामा के पहले क्या दिख रहा है, तो कामा के पहले 3 है। अब 3 को कर दीजिए पंचांतर, तो दाहिने तरफ 3 है, ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आप b बराबर निकाल लीजिए, b बराबर b कितना दिया, b माइनस 5 और इक्वल टू लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पहला जो है a का मान है, दूसरा जो है b का मान है। अब करिए क्या, 5 को उस तरह पंचांतर कर दें, तो 0 से मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस को पंचांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है ए और बी का मान, तो ए का मान 0, बी का मान 5, तो इसमें 1, 2 आया है, पहला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा माइनस 1, 3 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो सही आपको वो बताना है। तो ए का मान 0 और बी का मान 5, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3rd सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd को आप राइट कर दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। बोला यदि ए इंटू बी इक्वल टू 1, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, तो समुच्चय ए होगा। आपसे ए पूछा है, ए और बी का गुणा करके ये सब दोनों बने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक्स और वाई का गुणा करते हैं तो एक्स कामा वाई बनता है, इसी प्रकार से यहाँ ए और बी का गुणा किया गया है, तो ए और बी के रूप में बनेगा। तो जो ये पहला पद दिख रहा है, ये पहला जो दिख रहा है समुच्चय दोस्तों अवयव, ये आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। तो ए आपसे पूछा, देखिए एक इसमें दिख रहा है, सभी में एक है, चले एक को ले लेते हैं, फिर दो इसमें भी है, इसमें भी है, अब तीन इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी पहला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 आ जा रहा है, दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, फिर 2, फिर 4, यानी 2 और 4 का रिपीटिंग हो रहा है। तो जिसका रिपीटिंग होता है सिर्फ एक ही बार लिया जाता है, तो 2 रिपीटिंग हो रहा है एक ही बार लिया जाएगा, 4 रिपीटिंग हो रहा है एक ही बार लिया जाएगा, तो आएगा क्या, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि इन दोनों रिपीटिंग हो रहा है तो इसको एक बार ले लिया, तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3rd ही सही होगा। ठीक है, उसका भी सी ऑप्शन था, इसका भी सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रखा है यदि r इक्वल टू 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 4, तो प्रांत होगा। इसमें आपसे प्रांत पूछा है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रांत क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वही प्रांत होता है, यानी जो पहला मान होगा वो कामा के पहले का, वही क्या होगा आपका, प्रांत होगा, यानी डोमेन। दूसरा होता है परिसर, दूसरा
परिसर यानी वाई जो होता है वो परिसर होता है, परिसर हमें इसमें बताना नहीं है यानी रेंज हमें बताना नहीं है, सिर्फ बताना है डोमेन। तो डोमेन देखिए दोस्तों, दो तीन चार फिर दो, दो का रिपीटिंग हो रहा है यानी दो को हम सिर्फ एक ही बार लेंगे, यानी क्या लेंगे दो, तो दो आएगा फिर तीन फिर चार, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी को कर दीजिए। स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीन शॉट यहाँ फटाफट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फोर को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बोल क्या रखा है, फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व का प्रांत ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका प्रांत ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पे एक्स और वाई के रूप में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करने के बाद इसको गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये गुणनखंड दिख रहा है, द्विघात समीकरण दिख रहा है, द्विघात को हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर क्या है दोस्तों, एक आए और उसको जोड़े, जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है उसको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, दो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक का एक एक, एक कितना हो जाएगा, दो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, क्योंकि इसके पहले एक छुपा है इसलिए एक लिखा नहीं जाएगा, प्लस वन है तो वन कर दीजिए, ठीक है। अब एक्स एक्स जोड़ेंगे फिर टू एक्स हो जाएगा। अब दो दो का जोड़ा बना, जोड़ा बना लीजिए, इसमें से एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स को कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या दोस्तों, एक्स, एक एक्स कॉमन होगा तो एक एक्स बचेगा, प्लस यहाँ एक्स से एक्स कॉमन हो जाएगा बचेगा वन, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो सिर्फ वन कॉमन करिए बचेगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मिल रहा है, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, अगला एक्स प्लस वन बच रहा है इसको भी एक ब्रैकेट में आप कर लीजिए, और दोनों सेम दिख रहा है तो इसको आप एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अर्थात हम इसका ऊपर हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर लिख देते हैं इसका x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व दिया है, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते थे, यहाँ लिखा है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर ट्वेल्व आए, जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा उसको जोड़ने या घटाने पर एट आना चाहिए, यानी छः दूनी बारह और छः दो कितना हो जाएगा आठ, द्विघात समीकरण तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे छः एक्स माइनस दो एक्स। अब छः दो कितना हो जाएगा आठ, माइनस माइनस जुड़ता है इसलिए यहाँ भी माइनस किया गया है, प्लस कितना बारह है तो बारह कर दीजिए। यहाँ से एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस सिक्स बचेगा, फिर माइनस टू यहाँ पे कॉमन होगा तो एक्स माइनस कितना बचेगा सिक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स मिला तो इसको एक्स माइनस सिक्स कर दीजिए और ये एक्स माइनस कितना हो जाएगा टू, तो इसको नीचे लिख दीजिए क्या, एक्स माइनस सिक्स अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस टू। चले ये तो आपका हो गया द्विघात समीकरण सॉल्व करने पर, आपसे पूछा है प्रांत और प्रांत पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर नीचे वाले को निकालेंगे अगर वैल्यू तो x बराबर कितना निकलेगा छः, जीरो मान लेंगे, जीरो के बराबर जब पंचांतर करेंगे तो x बराबर छः आ जाएगा, और x माइनस दो के बराबर जीरो करेंगे तो x को दो को पंचांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा दो हो जाएगा, क्योंकि माइनस दो है जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपसे पूछा है प्रांत, तो इसका प्रांत क्या होगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो कटा नहीं, जब कटा नहीं तो हम अर्थात कह सकते हैं कि जो ये फलन का प्रांत होगा छः और दो कर, दो को छोड़कर, छः और दो को छोड़कर जो शेष बच रहे हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वह इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख दो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखना क्या है, लिखिए आप इसका फलन, इस फलन में, या इस तरीके लिखिए, इस फलन का, इस फलन में छः और दो को छोड़कर शेष बचे हुए, यानी जो शेष बचे वास्तविक संख्याएं हैं वही इनका क्या होगा, समुच्चय यानी प्रांत होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसमें बोल रखा है आपसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, कि आपका कैसा वास्तविक फलन है। तो आप करिए क्या, इसको मान लीजिए, मानना क्या है, रूट में एक्स माइनस वन है तो इससे परिभाषी एक परिभाषित फलन नहीं है, वास्तविक परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अगर हम एक्स माइनस वन देखें तो ये क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए छोटा है किससे, जीरो से, जब जीरो से छोटा होगा तो एक्स को वन को पंचांतर करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन वन, यानी एक्स से वन क्या होगा, बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं इस पर क्या है, ये परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो इसका निकाल लीजिए क्या आप, प्रांत। प्रांत जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों,
एक्स एलिमेंट्स एक्स, ठीक है, एक्स एलिम यहाँ सॉरी एक्स सच दैट एक्स लिखिए, एक्स सच दैट एक्स, फिर कामा लगा के आर लिखिए, ठीक है, या इसका एलिमेंट्स आर कर दीजिए। आर जो है वो क्या होगा दोस्तों, एक्स से या तो छोटा, एक से छोटा, एक्स जो होगा एक से छोटा हो सकता है या एक के बराबर हो सकता है। जब बराबर हो सकता है अर्थात हम कह सकते हैं जिसका प्रांत आएगा एक कामा क्या आएगा दोस्तों, इनफाइनाइट। अगला क्या है, इनफाइनाइट अनंत तक जा सकता है, क्योंकि माइनस में जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा प्रांत। अब आप निकाल लीजिए इसका परिसर। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको y बराबर मानेंगे। y बराबर आप मानोगे तो रूट में क्या है, x माइनस वन। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहां से कर्णी हट जाएगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। यहां लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए अब दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहां पे वर्ग नहीं, इस पे वर्ग लग जाएगा, इस पे कर्णी है, कर्णी हट जाएगा, बचेगा x माइनस वन। अगर हम यहां से x बराबर निकालें तो x बराबर निकालेंगे तो y उधर चला जाएगा, y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हम यहां से निकाल लेंगे क्या, परिसर। जब परिसर आप निकालोगे तो जो परिसर होगा ये वाई क्या हो जाएगा, सच दैट वाई, ठीक है, और एलिमेंट किसका होगा, आर। और जो आर होगा ये देखिए वाई जो होगा ये क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा एक से या एक के बराबर होगा। जब बराबर या बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर में है वाई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका निकलेगा दोस्तों परिसर जीरो कामा इनफाइनाइट निकलेगा। वो एक कामा इनफाइनाइट निकला है या जीरो कामा इनफाइनाइट निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप आंसर को मिला लीजिए, हाँ इसका आंसर मैच कर रहा है दोस्तों, इसका भी और इसका भी समझने में मिला दिया है। अब कर दीजिए इसको आंसर, ये आपका परिसर हो जाएगा, ये आपका प्रांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर आंसर नहीं मैच करता किसी भी किसी क्वेश्चन में। तो दोस्तों आंसर भी मैच कराना जरूरी है, इसलिए मैंने आंसर को देखा, सोचा मैच कर लूँ मैं भी। तो चलिए दोस्तों आंसर सब राइट है, आपके बुक के हिसाब से ही आ रहा है, क्योंकि आप रूल पर नहीं ध्यान देते हो, आप आंसर पर अधिकतर ध्यान देते हो। तो मैं भी आंसर को देख ही लेता हूं, आप लोग के साथ ही चलूंगा, क्योंकि आपको पसंद आना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4-5 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स को मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, इसलिए सॉल्व कर दिया दोस्तों क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिनीशन देना था मुझे, ठीक है, इसमें लिखना था, इसलिए मैंने समझा दिया पहले से ही। अब वीडियो में लिखूंगा तो वीडियो यही 3-4 मिनट एक्स्ट्रा खा जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबा बने, आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से। बोला एफ ऑफ एक्स इज मार्ड इक्वल टू मार्ड एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत था परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे प्रांत पूछ रहा है एफ का और परिसर पूछ रहा है, जो फलन दिया गया है इसका आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मार्ड में जो एक्स माइनस वन दिया है या एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन क्या है, परिभाषित है। वास्तविक मान यानी जो होंगे माइनस वाले मान होंगे, ऋणात्मक वाले जो मान होंगे, इसके लिए ये क्या है दोस्तों, परिभाषित है। तब इसलिए जब परिभाषित होगा तो इसका जो क्या होगा दोस्तों, एक्स का मान होगा वो क्या होगा, रिलेशन आर होगा, इसका जो प्रांत निकलेगा आर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एफ एक्स इक्वल टू हम एक्स माइनस वन जो मार्ड में इसको मान लें, अगर एफ का मान जब एक्स एलिमेंट आर है तो यह क्या है, एक धनात्मक संख्या निकलेगा, क्या होगा, एक आर जो निकला, मैंने पहले बता दिया कि आर जो निकला है एक धनात्मक संख्या निकला है। जब धनात्मक संख्या निकलेगा तो परिसर जो निकलेगा वह क्या हो जाएगा, वह ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में दिया गया तो एक धनात्मक हो गया तो एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक हो गया तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं लिख दीजिए, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक है वही सॉल्व कराऊंगा, फिजूल के क्वेश्चन सब दिए रहते हैं, सिर्फ इसको मैं समझाऊंगा। अगर ऐसे भी समझाता तो समय खाता और आपको बोरिंग भी लगता, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से लिख के सॉल्व करा दिया इसको। चले देखिए दोस्तों यहां पर दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपान 1.1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने से ही सॉल्व कर लोगे इसे, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। दिया है आपका एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप करोगे क्या, पहले आपको यहां पर देखिए एफ की जगह भी देखिए, यहां एक्स था तो यहां एक्स स्क्वायर है,
यहाँ एक्स है, अब यहाँ 1.1 है ये फलन जो है, तो यहाँ से पहले आप 1.1 आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर एक्स था तो एक्स स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पर क्या करोगे 1.1 का स्क्वायर कर दोगे। आपको पता है दशमलव में भुला जाऊँ तो बचा है सिर्फ 11, 11 ग्रह में कितना होता है 121 होता है, कितना होता है दोस्तों 121 होता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा था तो दशमलव यहाँ पर भी दो अंक पर लग जाए, क्योंकि दो बार जब इसका स्क्वायर बनेगा तो कितना हो जाएगा 1.121, ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब बच रहा है माइनस एफ वन, तो पहले आप एफ वन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स था एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे कर दीजिए वन का स्क्वायर, ठीक है। जब आप वन का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है वन का स्क्वायर कितना होता है, वन ही होता है। अब इन्हीं वैल्यूओं को यहाँ पर आप रख दीजिए। तो क्वेश्चन है, आप देखिए किसका वैल्यू हमें निकालना है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपान 1.1 माइनस 1, ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। इक्वल टू कर लीजिए, अब एफ ऑफ 1.1 तो एफ ऑफ 1.1 का वैल्यू कितना है 1.21 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया है 1, तो यहां पे कर दीजिए 1 अपान, ठीक है, इसको 1 कर दीजिए अपान। अब यहां 1.1 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 0.1, तो 0.1 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1.21 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0.21 अपान 0.1, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसी को हम कर देते हैं यहीं पे आंसर, या दशमलव बढ़ा, जीरो बढ़ा के दशमलव दशमलव आप कैंसिल कर दोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, यहीं पे आप ऐसा काम करो आंसर कर दो, फिर मैं आपको आंसर एक बार मिला देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन कहोगे आंसर नहीं सही है। देखिए आपका आंसर यहां पे नहीं दिया है, आंसर आपका आगे दिया है, आगे कहने वाला मैंने आपको बताया ना कि यहां पे जीरो बढ़ा दो, तो चलिए मैं जीरो बढ़ाता हूं। अब देखिए दशमलव बाद दो अंक, दशमलव बाद दो अंक, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा कितना 21/10। अब नीचे एक जीरो है, एक जीरो हटाओगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है। आगे आंसर नहीं आ गया, देखिए आप लोग आंसर को ज्यादा फॉलो करते हो इसलिए मुझे आंसर को देख के सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि मैं आंसर बिना देखे सॉल्व करता हूं तो मैं रूल को सिर्फ देखता हूं, आंसर क्या दिया कितना दिया मैं वहां तक नहीं जाता, मैं यहीं पे आंसर कर देता अभी, ठीक है। लेकिन बुक में वहां तक सॉल्व किया है तो मैं भी वहां तक सॉल्व कर ही देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप कर दिए इसको आंसर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रखा है। तो पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोला है क्वेश्चन में, यदि ए का समुच्चय 3.4, बी का समुच्चय 4.5, सी का समुच्चय 5.8, तो ज्ञात करो। आपको पहला ज्ञात करना है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, तो पहले आप निकाल लीजिए ए इंटू बी। ए इंटू बी किस तरीके से निकलेगा ध्यान दीजिए, ए इंटू बी, ए और बी का हम यहां पे कर देंगे गुणा, तो ए कितना है 3.4, फिर इंटू करेंगे कितना हो जाएगा बी 4.5, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए आप गुणा, 3 का पहले 4 में करिए फिर 3 का 5 में, तो करेंगे तो कितना आएगा गुणा दोस्तों, यहां पे जब गुणा करेंगे यहां पे 3 का 4 में करेंगे 3.4, ठीक है। उसके बाद फिर 3 का 5 के साथ करेंगे 3.5, तो यहां लिखिए 3.5, फिर अगला अब 4 का दोनों के साथ करेंगे तो आएगा 4.4, फिर अगला गुण 4 किसके साथ होगा 5 में, ठीक है, तो 4, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये तो आपका निकल जाएगा a इंटू बी। अब इसी प्रकार आप निकाल लीजिए a इंटू सी, क्योंकि a इंटू बी a इंटू सी, इसमें भी a इंटू बी a इंटू सी इसमें भी दिया है, तो पहले आप इसका मान निकाल लीजिए फिर उसका दोनों का आंसर हम एक साथ ही लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब a इंटू सी, तो a का समुच्चय दिया है 3.4 और इंटू सी का जो समुच्चय दिया है 5.8, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले 3 का दोनों में गुणा करिए, तो 3 का पहले 5 के साथ करेंगे 3.5 हो जाएगा, फिर 3 का 8 के साथ करेंगे तो 3.8 हो जाएगा, फिर अगला 4 का 5 के साथ करेंगे तो 4.5, फिर 4 का 8 के साथ करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका गुणा निकल कर आएगा। अब आपसे पहला पूछ रखा है, पहले में a इंटू बी यूनियन a इंटू सी, यूनियन का मतलब होता है संघ, मैंने पहले ही आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा दिया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब संघ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान देना, जो इसे मिलेगा उसको भी लिख लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी आपको लिख लेना है, यूनियन का मतलब सब एक साथ लिख लेना है, ठीक है। देखिए 3.4, इसमें 3.4 कहीं दिख रहा है, जी नहीं, तो 3.4 को लिखिए। उसके बाद
तीन कामा पांच, ऊपर तीन कामा पांच, तीन कामा पांच मिल रहा है, तो इसको एक ही बार लिखिए तीन कामा पांच। फिर उसके बाद चार कामा चार, नीचे चार कामा चार कहीं नहीं दिख रहा है तो चार कामा चार करिए, फिर चार कामा पांच, नीचे चार कामा पांच, यहां पर ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं तो इसको चार कामा पांच एक ही बार लिखिए। अभी तीन कामा आठ नहीं मिला है, तीन कामा आठ भी लिख दीजिए, और नहीं मिला चार कामा आठ तो चार कामा आठ भी आप लिख दीजिए। ये आपका निकल जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। दूसरे को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरे का सॉल्व करने का मतलब जो सिर्फ मिलेगा उसी को आपको यूनियन बोल इंटरसेक्शन बोला है, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिलेगा वही आपको निकालना है, ठीक है। चलिए ये तो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर लिखते हैं। ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, तो जो कि ए सी, ये AC का निकला है गुड़ा और ये AB का निकला है, तो AB और AC में जो मिलेगा उसी को आंसर करिए। देखिए 3.5, 3.5 ऊपर नीचे मिल रहा है, सॉरी 3.5 है, 3.5 बोल दिया मैंने, सॉरी। अब यहाँ पे 4.5, यहाँ 4.5 मिल रहा है, इसको कर दीजिए, और बाकी सब नहीं मिल रहे हैं तो बाकी को छोड़ दीजिए, यही आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपसे बोल रखा है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, दो क्वेश्चन दिया गया है, पहला और दूसरा, दोनों प्रांत और परिसर बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर पहले का प्रांत और परिसर निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ लिखिए प्रांत और परिसर, ये पहले का निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम प्रांत और परिसर दोनों निकाल लेते हैं एक साथ। पहला जो होता है प्रांत, -1 लिखिए, दूसरा जो होता है परिसर, फिर पहला जो होता है 1 लिखिए प्रांत, दूसरा जो होगा 1 परिसर, ठीक है। उसके बाद 1 फिर मिल गया तो 1 नहीं लिखा जाएगा, फिर 0 लिखिए। उसके बाद ध्यान दीजिए पहला 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 यानी एक्स वाला जो होता है प्रांत, तो -1 फिर 1 फिर 1, तो 1 दो बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है वहां पे, तो एक ही बार लिखिए, फिर 0 0, ये आपका हो गया क्या दोस्तों प्रांत। अब हम यहां पे लिखते हैं परिसर, परिसर क्या है दोस्तों, सॉरी यहां पे मैं परिसर यहां पे लिख रहा हूं, फिर से क्या हो जाएगा आपका 0 1 -1 और 2, ये आपका क्या हो गया परिसर, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन का हम निकाल लेते हैं प्रांत परिसर, ये तो पहले का हो गया, दूसरे का हम निकाल लेते हैं प्रांत और परिसर। अब तो आप आसानी से निकाल लोगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। पहला एक्स एक्स 0 -x, तो एक्स एक्स रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही बार लिखिए, फिर क्या आ रहा है 0 0 लिखिए, फिर -x, ये हो गया आपका प्रांत। परिसर क्या होगा वाई जेड 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 रिपीट हो रहा है, जेड को एक ही बार लिखा जाएगा, वाई कामा जेड, फिर यहाँ -y है तो -y, ये आपका हो जाएगा परिसर। ये आपका यहाँ पे आंसर कर दिए दूसरे का, और ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध फलन है, संबंध फलन बताना है। संबंध फलन का मैंने रूल बता दिया है, कौन संबंध फलन है कौन सा नहीं है। अगर जिसका प्रांत रिपीट करता होगा तो वह संबंध फलन नहीं होगा, और जिसका प्रांत रिपीट नहीं करेगा यानी सिर्फ एक ही बार रहेगा वो अक्षर, तो समझ लीजिए क्या होगा, वो फलन होगा संबंध फलन। इसमें 1 2 1 रिपीट करिए, नहीं देखिए 3 बार आ गया 1, तो अतः यह संबंध फलन नहीं होगा, ठीक है। संबंध फलन यह क्या होगा, नहीं होगा, लिख दीजिए संबंध फलन नहीं है। अब एक्स वाई जेड 0, इसमें देखिए सब प्रांत क्या है भिन्न है, तो भिन्न है तो यह हो जाएगा संबंध फलन है, तो इसको लिख दीजिए संबंध फलन है, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें थियरी लिखनी होती है, थियरियों को मैं पहले ही लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए, बोला है मान लीजिए कि, और ये सब क्वेश्चन पहले से पढ़ाया जा चुका है, सब रिपीटिंग क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली है, तो इसमें सब पहले के क्वेश्चन मिला जुला के दिया गया है, इसलिए फटाफट सॉल्व करा के मैं नेक्स्ट त्रिकोणमिति की तरफ चलता हूँ, चैप्टर की तरफ, ठीक है। मान लीजिए कि एफ इक्वल टू एफ का समुच्चय है एक्स कामा एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स एलिमेंट आर, आर से आर में एक फलन है, एफ का परिसर निर्धारित कीजिए, आपको परिसर बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एफ एक्स बराबर आपका यहाँ पे दे रखा है, इसको यहाँ पे एफ एक्स बराबर देना चाहिए था, सिर्फ एक्स एफ बराबर दिया है, तो एफ 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 एक्स बराबर दिया है एक्स
कहा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको y बराबर मान लिया, माना fx बराबर क्या y, और y जब मानूंगा तो ये बराबर किसके होगा, ये y की वैल्यू यही है, ये x का है ये y का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस परिसर बोला इसलिए मैं y मान रहा हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको मान लिया y बराबर। ठीक है, अगर मैं y बराबर इसको मानता हूँ तो इसका करता हूँ क्रॉस गुणा, पहले मैं x बराबर निकालता हूँ, तो y का एक में करूंगा तो y आएगा, फिर y का एक्स स्क्वायर में करूंगा तो y एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप सेम रहने दीजिए। अब करिए कि एक्स स्क्वायर को पंचांतर कर दीजिए, जब एक्स स्क्वायर को इधर पंचांतर करेंगे या उसको वाई को उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, अब ध्यान दोस्तों इसमें x स्क्वायर मिल रहा है, x स्क्वायर को मैं कर लेता हूं कॉमन, जब x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बचेगा 1 माइनस y बचेगा यहां पे, क्योंकि x स्क्वायर बाहर हो गया है, बराबर में y है y रहने दीजिए। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर को आप ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस y को बटे में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस 1। अब देखा जाए तो यहां पे 1 माइनस y आ रहा, वहां पे y, क्योंकि जो यहां पे देखा जाए तो अंश से हर क्या है एक कम है, तो कम है इसको हम y के नॉट इक्वल टू कर देंगे, जो एक है वह मान लेंगे y के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो x की सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा y, जीरो से छोटा ही होगा, क्योंकि माइनस में हो रहा है, जब बराबर ही नहीं है तो छोटा होगा, माइनस जीरो से छोटा ही होगा, और f का अंश हर से सदैव कम है, मैंने इसके पहले ही बता दिया आपको, इसलिए y जो होगा वह क्या होगा एक से छोटा होगा या तो एक के बराबर होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया, जब यहां से दो चीजें क्लियर हो गई तो हम निकाल लेते हैं परिसर, जब परिसर निकालेंगे तो जो एक्स होगा वो क्या होगा जीरो से बड़ा हो सकता है जीरो के बराबर, लेकिन एक से छोटा ही रहेगा, तो यही इसका हो जाएगा परिसर, इसी को कर दीजिए आप आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका लेना चाहते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ ले, पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो मैंने पहले से कर रखा है, ज्यादा समझाना नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए। बोला संबंध एफ कामा एफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर कामा जो जीरो एक्स है जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, और तीन से छोटा होगा लेकिन तीन के बराबर भी हो सकता है, यह द्वारा परिभाषित है। तीन एक्स जो है कामा दो, ये दो जो है एक्स से क्या है छोटा है, और जो एक्स है कह सकते हैं दो से बड़ा भी है या दो के बराबर भी है, लेकिन दस से छोटा है या दस के बराबर हम ले सकते हैं, इतना परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार जो संबंध जी का जी एक्स के साथ है, हम कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है एक्स इसमें जो है जीरो से क्या है बड़ा है, लेकिन जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन दो से बड़ा नहीं हो सकता ना दो से, यहाँ दो से छोटा हो सकता है यानी दो के बराबर भी हो सकता है, इतना परिभाषित किया गया है। फिर यहाँ पर तीन एक्स जो है, देखिए यहाँ पर एक्स जो है दो से बड़ा है दो के बराबर भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स जो है दस से छोटा और दस के बराबर भी ले सकते हैं, तो इस प्रकार यह परिभाषित किया गया है। तो बोला है दर्शाइए कि यानी आपको सिद्ध करना है कि यह एफ जो है एक फलन है और जी फलन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर उसका वर्ग और उसका मान बराबर आ रहा है तो फलन है और नहीं आ रहा है तो फलन नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे हम ले लेते हैं एफ एक्स बराबर, ये परिभाषित है, तो मान लीजिए हम एक्स यहां पर क्या ले लेते हैं थ्री एक्स, कामा जो दिया है एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं थ्री एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हम परिभाषित कर रहे हैं तो इसका एफ एक्स बराबर कितना आ जा रहा है थ्री एक्स, अगर हम एक्स बराबर थ्री ले लें, ठीक है, क्योंकि ये परिभाषित है, मैं एक्स का वैल्यू थ्री के बराबर ले सकता हूं, तो एक्स बराबर अगर मैं थ्री ले लूं, अगर इन दोनों का वर्ग करूंगा तो एक्स का वर्ग कितना आएगा नौ, क्योंकि यहां दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दिया तो अगर वर्ग करूंगा तो इसका नौ आ जाएगा, और देखिए अगर मैं एक्स की जगह तीन रखूंगा तो एफ थ्री है, एफ एक्स बराबर कितना है एफ एक्स बराबर थ्री एक्स है, तो एक्स की जगह थ्री रखिए, और यहाँ थ्री है थ्री रखिए, एक्स की जगह थ्री, तो तीन तरीका नौ फिर आ जाएगा, तो एफ की जगह आप देखिए परिभाषित बराबर आ नहीं आ रहा है, अगर मैं x की जगह तीन रख रहा हूं तो नौ आ रहा है, वर्ग कर रहा हूं तब भी नौ आ रहा है, तीन का वर्ग नौ और तीन यहां रखूंगा तीन तरीका नौ, यानी ये परिभाषित है बराबर है, अतः एक दूसरे से क्या करते हैं ये संबंध रखते हैं, तो अतः ये फलन हो जाएंगे, परिभाषित है। अब दूसरा जी के साथ बोला है फलन नहीं है, तो जी को देखिए पहले क्या लेंगे जी एक्स बराबर थ्री एक्स, क्योंकि थ्री एक्स दिया है, इसके पहले भी थ्री एक्स दिया था, थ्री एक्स लिया था, इसके बराबर आप जी एक्स बराबर थ्री एक्स लीजिए, ले लीजिए, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब बोला है एक्स की वैल्यू आप टू से क्या ले सकते हैं टू से बड़ा नहीं ले सकते, टू के बराबर ले सकते हैं, टू से छोटा, तो मैं टू लेता हूं यहाँ पे, अब जहां इसका वर्ग करूंगा क्योंकि स्क्वायर दिया है तो वर्ग करूंगा एक्स का वर्ग कितना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो का वर्ग चार हो जाएगा, पता है ना। अब आप करते क्या है, जी एक्स बराबर दिया, जी एक्स की जगह टू है, टू रखिए, और थ्री एक्स है तो एक्स की जगह पर कितना रखेंगे आप
टू, तो तीन दूनी कितना हो जाएगा छह, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे क्या रखा है छह। अब देखिए यहां क्या करते हैं, गुणा करने पे छह आ रहा है, लेकिन वर्क करने पे अगर वर्क करेंगे तो चार ही आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं आएगा तो यह क्या है, संबंध फलन नहीं है, क्योंकि वो उसका वो उस परिभाषित कर ही नहीं, दोहरा परिभाषित है लेकिन सिद्ध करने के लिए बोला था फलन नहीं, इसका संबंध नहीं है, तो यह संबंध इसका नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को फटाफट यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसने बोल रखा है, मान लीजिए कि एफ कामा जी यहां पे दे रखा है सच दैट आर टेन टू आर क्रमशः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित है एफ प्लस जी एक्स कामा एफ माइनस जी एक्स और एफ वन जी एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, यहां पे दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको लिख लीजिए, और फिर आपका जी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 2x माइनस थ्री। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, f प्लस जी बगल में क्या x, चलिए इसको ज्ञात कर लेते, x का पहले f में गुणा करेंगे तो क्या आएगा एफ एक्स प्लस जी का x में करेंगे तो क्या आएगा जी एक्स। अब ठीक है एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है x प्लस वन प्लस जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू दे रखा है 2x माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको जोड़ी 2x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x, और प्लस वन ये माइनस थ्री, थ्री में माइनस में घट जाएगा बचेगा कितना माइनस टू, देखिए माइनस थ्री में से वन घटेगा कितना बचेगा माइनस टू, ये तो पहला का आंसर हो गया। अब आपसे बोल रखा है एफ माइनस जी एक्स, तो यहाँ लिखिए एफ माइनस जी बगल में एक्स। ठीक है, तो एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा एफ एक्स, और फिर माइनस जी का करेंगे तो जी एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए, तो एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स प्लस वन फिर माइनस जी का एक्स, जी एक्स का टू एक्स माइनस थ्री। अब एक्स प्लस वन दिया फिर माइनस का अंदर पूरा करेंगे तो माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा थ्री, माइनस देखिए घट जाएगा, माइनस टू एक्स में एक्स घटाएंगे तो माइनस एक्स बचेगा थ्री, और वन कितना हो जाएगा फोर। ठीक है, तो इसी को कर दीजिए क्या आंसर। ठीक है, चले ध्यान दीजिए, ये तो हो गया पहला, दूसरा तीसरा का एफ अपान जी एक्स का वैल्यू आपको बताना है, तो एफ का एक्स के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, और अपान जी का एक्स के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा जी एक्स, इसका वैल्यू रख दीजिए, तो एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स प्लस वन और जी एक्स का दे रखा है टू एक्स माइनस थ्री। फटाफट आप समझते चलिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, अब आप यहीं पर कर दीजिए आंसर, क्योंकि इसमें जो x है नॉट इक्वल टू है थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू को जीरो मान ही नहीं सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि x प्लस वन ऊपर आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट मान रख के वहां पे आंसर करते चले जाए, जुड़े घटेगा जोड़िए घटे, कटे पीटे काटिए पीटे, नहीं तो सिर्फ आंसर कर दीजिए, फटाफट आप इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अब चलने वाला है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति बहुत खास होने वाला है आपके लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, बोल रखा है मान लीजिए कि एफ बराबर, जो एफ बराबर दे रखा है उसको आप लिख लीजिए, क्या दे रखा है यहां पर एक कामा एक, फिर दो कामा तीन, फिर दे रखा है जीरो कामा माइनस एक, फिर दे रखा है माइनस एक कामा माइनस तीन, तब फिर बोला जेड से जेड में एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी दे रख द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां ए कामा बी कोई पूर्णांक है, ए बी को निर्धारित कीजिए, यानी आपको ए और बी मान निकालना है। तो चलिए ए और बी निकालने के लिए क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हम एफ एक्स को मान लेते हैं वाई, वाई बराबर मान लेंगे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे दिया y नहीं दिया, तो y एक को मानना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे y मान लिया। अब आप पहला समीकरण लेंगे तो यहाँ पे ये x या क्या हो जाएगा, x बराबर एक और y बराबर भी एक होगा। ठीक है, यहाँ पहला अगर हम लेंगे यहाँ पे अवयव, तो x बराबर एक y बराबर एक निकलेगा, तो y बराबर यहाँ पे आप रखिए क्या एक, जब एक रखेंगे तो एक बराबर ए इंटू एक्स, एक्स की जगह एक रखिए प्लस बी, बी ऐसे ही रहेगा, तो ए का ए देखिए ए का एक में गुणा करेंगे यही आएगा, प्लस बी है बी रहने दीजिए, यहाँ पे एक है तो एक रहे, बराबर में एक है तो एक कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब आप लिख लीजिए दो कामा तीन, चलिए एक बार हम ले लेते हैं, अब ये क्या करते हैं दोस्तों, अब इसी को हम फिर मानेंगे, एक बार मैंने एक प्लस ए प्लस बी का मान मुझे बताना है तो हमें दो समीकरण बनाना ही पड़ेगा, तो दो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बराबर मान लेंगे अब दो और फिर वाई बराबर मान लेंगे तीन, फिर इसी समीकरण में रखेंगे तो वाई बराबर क्या मान रखा है तीन, तो तीन बराबर ए एक्स, ए इंटू एक्स,
x की वैल्यू 2 प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या मान रखे, कुछ नहीं, तो b को ऐसे रहने दो। अब क्या करना, इसका गुणा कर लो, 2a हो जाएगा, 2a प्लस बी, तो यहाँ लिखिए 2a प्लस बी बराबर में कितना आ जाएगा 3। इसको समीकरण क्या कर दो, सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम इसको करके क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण जब फर्स्ट व सेकंड से हम इसको हल करेंगे तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 है, और ये क्या है 2a, हमें ए बी का मान ज्ञात करना था, हमें दो समीकरण बनाना जरूरी था, तो यहाँ पे कर दीजिए, लिख दीजिए घटाने पर, घटाएंगे तभी एक कटेगा, ठीक है, घटाने पर, तो देखिए घटाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा घटाने पर। तो यहाँ देखिए 2a में से एक a घटेगा तो बचेगा माइनस a, और यहाँ माइनस 3 में से एक घटेगा तो बचेगा माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसी को समीकरण फर्स्ट में रख दो, b का भी मान निकल जाएगा, तो लिखो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, तो a बराबर अब क्या करोगे, रख दोगे मान समीकरण फर्स्ट में, तो ए की जगह दो रखो, दो प्लस क्या है ए प्लस बी, तो ए की जगह मैंने दो रखा, फिर बी है बी रखिए बराबर में वन है, दो को पंचांतर कर दो, तो बी बराबर वन माइनस कितना हो जाएगा टू, तो बी बराबर माइनस टू में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ ए और बी का आंसर निकल गया, ए बराबर दो और बी बराबर माइनस वन, यही आपसे पूछा तो यही आप कर दीजिए क्या आंसर। एक बार फिर से आप समझ लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर एफ बराबर दिया, आप चाहे तो इसको भी लेकर हल करोगे, आंसर सेम आएगा, आप हल करके देख लीजिएगा, दो ही ब्रैकेट से काम हो गया, दो ब्रैकेट को क्या लेके चलना, आप हल करोगे तो फिर वही आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर आपका दे रखा है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स प्लस बी, और ये एफ बराबर वो दे रखा था, तो जो एफ एक्स दे रखा था उसको मैंने मान लिया वाई, क्योंकि एक्स के रूप में दिया था। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहला ब्रैकेट लिया, एक्स है ये वाई है, तो एक्स का मान एक, वाई का भी मान एक, तो मैंने एक्स की जगह क्या रखा एक, और वाई का मान रखा एक, क्योंकि यहाँ पे y बराबर ax प्लस b माना है, तो y का एक, फिर ax a का गुणा एक में करेंगे तो a आएगा, और b है b रखिए, a को बराबर कर, समीकरण फर्स्ट निकल जाएगा। इसी प्रकार हम x इसको लेंगे y लेंगे, तो x का दो रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों a प्लस b यहाँ पे हो गया है, तो समीकरण फर्स्ट y बराबर, तो y की जगह तीन रखेंगे क्योंकि y का मान तीन लिया, फिर ax है तो ax की जो लिया दो रखिए, फिर प्लस b है b, अब a का टू में करेंगे टू ए हो जाएगा, b है b रखिए प्लस में, फिर थ्री को बराबर करें, समीकरण फर्स्ट सेकंड से हल करेंगे, वो भी घटाकर, तो आपका मान यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 काफी लंबा है दोस्तों, चलिए ध्यान दे लेते हैं, आंसर बहुत छोटा है, क्वेश्चन लंबा है, ध्यान दीजिए, दिया है r इक्वल टू a कामा b सच दैट a कामा b एलिमेंट n, ठीक है, ये a और जो b है किसका अवयव है, n का, तथा a जो है ए बराबर बी स्क्वायर हम ले सकते हैं, द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध आर है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है, तो चलिए हम सत्य और असत्य का यहाँ बताते हैं। देखिए ए कामा ए एलिमेंट आर सभी ए एलिमेंट एन, ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ए कामा ए एलिमेंट आर दे दिया है, और यहाँ पर ए एलिमेंट एन दे दिया है, यानी ए और ए एलिमेंट आर भी है, और ए एलिमेंट एन क्या है दोस्तों, एन भी है, अर्थात यह मिल रहा है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो कर दीजिए यह कथन क्या, सत्य, क्योंकि ए बराबर ए यहां पर निकल रहा है, तो परिभाषित एन से एन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बोला ए कामा बी एलिमेंट आर का तात्पर्य है कि बी कामा ए एलिमेंट आर, तो दोस्तों यह कथन असत्य हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए बराबर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर ए, ठीक है, यह कथन ए कामा बी एलिमेंट एन है, लेकिन ए कामा बी के लिए कथन क्या होगा, सत्य नहीं होगा, समझ रहे हैं बात, क्यों नहीं बात कर, अगर ए बराबर बी स्क्वायर है और बी बराबर ए स्क्वायर ले लें, ठीक है, ए बराबर बी स्क्वायर है, लेकिन अगर हम बी बराबर ए स्क्वायर लेंगे तो कैसे होगा, अगर हम देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर करणी कंध, अगर बी बराबर देखिए ए बराबर बी स्क्वायर लिया, अगर इस पर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इस पर करंडी लगेगा तो करंडी लगेगा बराबर आएगा, और यहाँ पर अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो करंडी भी हो जाएगा, बराबर आएगा ही नहीं, जब ये बराबर आएगा ही नहीं तो ये कथन क्या होगा, सत्य नहीं होगा। अब इसी प्रकार इसको भी ले लीजिए, बोला ए कामा बी एलिमेंट आर और बी कामा सी एलिमेंट आर का तात्पर्य है कि ए कामा सी एलिमेंट आर है, क्या प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ए बराबर बी स्क्वायर दिया है
अब 20 बराबर सी स्क्वायर हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए कामा बी, बी कामा सी एलिमेंट आर दिया है, लेकिन ए बराबर सी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए बी एलिमेंट आर है, यहाँ बी सी दे दिया है। अलग अलग औचित्य में अलग अलग बात की जा रही है, तो अर्थात यह भी कह देंगे कथन सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए सी एलिमेंट आर है। जैसे हम यहाँ पर ले लें ए कामा बी, तो एक कामा दो ले लें, एक दो कामा दो एलिमेंट आर है, फिर बी सी दो कामा तीन एलिमेंट आर है, और ए सी ए कामा एन, ए सी का मतलब हम एक और सी का तीन लिए, तो एक कामा तीन को हम ले लें एलिमेंट आर। अगर जब इसका अवयव मिलाएंगे तो एक दो तीन, एक यहाँ पे आ रहा है, एक का सी के साथ मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और दो का दो भी तीन तीन, यहाँ पे देखिए बी और सी हो रहा है, तो ए सी का जब मिलन नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो हम कह देंगे यह भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यह चैप्टर हो गया है अब आपका समाप्त। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ मेरे नए चैनल को भी आप सपोर्ट जरूर करिएगा। मेरा चैनल जो नया चैनल है उसका नाम है, उस चैनल का नाम है धीरज के ब्लॉग्स। उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर उसको फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस चैनल पर मेरे दैनिक जीवन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।